मी एलिस स्विफ्ट, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग आप लोग के रिक्वेस्ट पे बन रहा है। सो मैं आ गई हूँ फाइनली कवर करने अपने मुजफ्फरपुर शहर के एरोप्लेन रेस्टोरेंट को। कुछ टाइम पहले ही ओपन हुआ है एंड मुझे जहाँ तक पता था कि ये बहुत अच्छी तरीके से रेडी नहीं हुआ है, इसलिए मैं कवर नहीं करना चाह रही थी। बट बहुत लोगों के मैसेज, DM, कमेंट्स आए थे कि इस जगह को कवर करने के लिए, तो सोचा कि चलिए आप लोग के लिए ही सही मैं आती हूँ, कवर करती हूँ। तो एड्रेस और मैप लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कीजिएगा। एक चीज़ अच्छी लगी है मुझे, आती नहीं, एक चीज़ अच्छी भी लगी और एक बुरी भी है। सबसे पहली आने वाली बात में कि आना ये क्या है ना कि एकदम अंदर में है, आप इस साइड देख सकते हैं, ये रेसिडेंशियल एरिया है, थोड़ा सा गांव साइड है और उसके बीच में बनाया गया है, तो मेन रोड पे नहीं है। ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा आने में, थोड़ा सा मुझे एक गली से हम लोग आए हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रास्ता भी था। एंड यू नो लड़कियों के लिए उतना सेफ नहीं बोलूँगी, अगर सिर्फ लड़कियाँ आ रही हैं और इवनिंग का टाइम है तो उतना सेफ नहीं है, मुझे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बट एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि बाहर में पार्किंग का स्पेस है, तो यहाँ पे पार्किंग के लिए स्पेस दिया गया है और यहाँ से एंट्रेंस है। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, लाइक कपल फ्रेंडली बोल सकती हूँ बिकॉज थोड़ा सा सिटी से दूर है। बट येस, अगर जैसे हम लोग हैं दोस्तों के साथ आते हैं तो उन लोग में इवनिंग में आना थोड़ा सा सेफ नहीं होगा इस जगह पे। बट चलिए अब मैं अंदर चलती हूँ एंड बाकी डिटेल्स बता दूँ। और यहाँ से देख सकते हैं ये बिल्डिंग है ना, यहाँ से एंट्री होगी यहाँ से, और उसके बाद ये है रेस्टोरेंट। देखिए अभी भी देखिए कुछ ऑर्डर लेके भी जा रहा है कोई, तो यहाँ से इस तरह से है और ये स्पेस है और यहाँ पे एक गार्ड रहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं ऊपर, मैं चलती हूँ ऊपर। एंड देन यू नो एक्चुअली मैंने एक वीडियो देखा था, नोएडा में एक एरोप्लेन रेस्टोरेंट है, वो तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही प्यारा बनाया गया है। उसमें क्या होता है ना, एक सर्टन अमाउंट आपके अंदर एंट्री से पहले ले ली जाती है और वो अमाउंट जो होता है वो आपके जो भी फूड ऑर्डर करते हैं उसमें उसके बिल में वो इंक्लूड करके वो कट हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एंट्री किस तरह से मिलती है। सो गाइज ये बाहर का कुछ स्पेस है जहाँ पे एरोप्लेन रेस्टोरेंट लिखा हुआ है और ये कुछ सेल्फी स्पॉट्स भी है, लाइक अगर आप चाहें तो यहाँ पे फोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हैं और यहाँ से जो है अंदर आपकी एंट्री होगी। यहाँ से कुछ इस तरह से एंट्री होती है, ये बिल्डिंग है एंड देन इस फील्ड में जो है इस एरोप्लेन को रखा गया है, ये है। सो गाइस हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो जैसे क्या होता है कि आप जब एंटर करेंगे तो वहाँ पे एक एयर होस्टेस है जिसका मैं कवर नहीं कर पाई, तो एयर होस्टेस है वो एंटर करने से पहले, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, बट इसके अंदर से यहीं पे आपको जो है पहले जो भी फूड आइटम है ऑर्डर प्लेस करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप कोई फूड आइटम ऑर्डर नहीं करते, अगर आप खाना ऑर्डर नहीं करते, दैट मीन्स आपको एरोप्लेन के अंदर में एंट्री नहीं मिलेगी। जिस तरह से आप टिकट बिना लिए एरोप्लेन के अंदर नहीं जा सकते, उसी तरह से आप जब तक खाना का ऑर्डर नहीं देते हैं तब तक आपकी एंट्री नहीं होगी, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। तो फूड आइटम्स की बात करूँ तो वहाँ पर यू नो अभी मैक्सिमम जो है वो मेन कोर्स से ज़्यादा जो है स्नैक्स आइटम्स है और येस लाइक स्टार्टर ये सब है। तो मैंने अभी व्हाइट सॉस पास्ता एंड कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया है एंड अब हम अंदर जा रहे हैं। तो अभी मैं ये दिखाती हूँ, ये है यहाँ का व्यू एरोप्लेन, तो मैं पूरा व्यू दिखाती हूँ। एंड सच बताऊँ तो अभी पूरी तरह से भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी काम होना बाकी है, तो अभी बहुत टाइम लगेगा इसको प्रॉपर रेडी होने में। फिलहाल अब बोल सकते हैं कि ट्रायल बेस पे चल रहा है अभी, बट स्टिल लोग आ रहे हैं अभी भी। सो गाइस यही है एरोप्लेन रेस्टोरेंट। गाइस हम आ चुके हैं एरोप्लेन के अंदर में, लाइक एरोप्लेन रेस्टोरेंट के अंदर में, और यहाँ पे देख सकते हैं पैसेंजर सीट पे बैठ चुके हैं, तो फील जो है वो आपको देगा एक्चुअल में, वो जो एरोप्लेन में जैसे होते हैं पैसेंजर सीट उस तरह का फील देगा। एक साइड में दो दो सीटें हैं एंड इधर में देखेंगे तो सिंगल सिंगल। लोग एरोप्लेन में बैठे हैं स्कूटी का हेलमेट लेके, है ना, स्कूटी का हेलमेट लेके, चश्मा वश्मा सब लेके, पहली बार हाँ, यह एक अलग एक्सपीरियंस है। एरोप्लेन की कंडीशन बोलूँ तो अभी ना, मतलब ये नहीं बोल सकती कि प्रॉपरली रेडी हो चुका है। अगर मैं पीछे दिखाऊँ तो यहाँ पे वॉलपेपर सभी लग रहे हैं। और हमने ऑर्डर किया था लाइक सॉफ्ट ड्रिंक,
और वाइट सॉस पास्ता, एक्स्ट्रा प्लेट भी नहीं दिया, सीधा फोक दे दिया गया है और इसी में से हम दोनों ने फूड इंजॉय कर लिया और अब हम नीचे आए हैं। एक्चुअली मैं दिखाती हूँ ये वाला रास्ता, यहाँ से ना एक सीढ़ी है जिसे आप नीचे आ सकते हैं। तो अभी हम नीचे आए हैं एंड यस, फूड का टेस्ट मैं बताऊंगी, ठीक है। मतलब मैंने एक्चुअली बहुत लोगों से सुना था कि फूड का टेस्ट अच्छा नहीं है, मैं वो चीज़ नहीं बोलूंगी जो मैंने खाया। मैं सबका तो बता नहीं सकती हूँ, बट पास्ता का टेस्ट अच्छा था। एंड एक चीज़ जो मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी वो है यहाँ की जो एयर हॉस्टेस का बिहेवियर, लाइक वो जो जिस तरह से एयर हॉस्टेस, मतलब एक तो बोलूँगी कि वो एयर हॉस्टेस के लायक नहीं है, जिस तरह से वो, मतलब एक्चुअली एयर हॉस्टेस क्या होती है, मतलब उनका जो पर्सनालिटी, बोलने का तरीका, वो तो बिल्कुल भी था नहीं। एंड एक कस्टमर से किस तरह से डील करना है एंड वो चीज़ मुझे उसका थोड़ा सा लगा। एंड एक्चुअली दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि जब मैंने ऑर्डर उसको कर दिया था कि मुझे दो सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए और वो, तो वो कैन वाला लेके आई और मैंने उसको बोला कि कैन वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे बॉटल वाला चाहिए, बिकॉज़ वो बिल मेरा बढ़ाना चाहती थी। तो वो बोलती है कि मॉकटेल्स के लिए यूज़ होता है। तो फिर मैंने उससे क्वेश्चन कर लिया कि मॉकटेल्स के लिए भाई कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ होता है, मुझे कोक चाहिए एंड कौन से मॉकटेल में तुम यूज़ करोगी कोक को। तो देन शी रिप्लाइड यू नो कि अच्छा मैम आपको वो चाहिए, वो जीरो डाइट वाला है, उसमें ना शुगर बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने बोला मुझे वही चाहिए। तो फिर उसने किसी और से भेजा एंड उसके बाद वो फूड भी देने नहीं आए। तो दैट मीन्स ही इज़ लिटिल एरोगेंट। तो मुझे उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। बाकी वहाँ पे जो भी स्टाफ थे उनका बहुत अच्छा था, बहुत पोलाइटली उन्होंने बिहेव किया। एंड देन खाना, फूड खाने के बाद जो है वो पूछने भी एक पर्सन आए थे कि मैम खाना का टेस्ट कैसा है, वो चीज़ मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। तो दैट वो बिहेवियर मुझे पसंद आया, पर्सनली मुझे अच्छा लगा। गाइस ये है पीछे का व्यू, लाइक यहाँ से भी पूरा एरोप्लेन का व्यू दिखेगा इस तरह से। ये है पूरा पीछे का व्यू और यहाँ से पूरा एरोप्लेन दिखेगा और यहाँ पे आप अपना रील्स फोटोज़ ले सकते हैं। एंड देन ये वाला एरिया जो है ना अभी बहुत अच्छा है यार, इवनिंग 5 बज रहे हैं अभी, हाँ 5 बज रहे हैं और ये बहुत अच्छा सनसेट का टाइम हो रखा है। और ये जो है ना अभी रेडी नहीं हुआ है, बट आई थिंक यू नो आउटडोर सेटिंग के लिए भी ये रहेगा, बट आई गेस ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बस एक लकड़ी सा रखा हुआ है बट ये बहुत लाइक एक बोल सकते हैं एक अलग ही लुक इसमें दे रहा है। गाइस बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आप लोग ने किया था इस जगह को आने के लिए, कवर करने के लिए, तो चलो मैं आ भी गई, मैंने कवर भी किया, मैंने अपना पर्सनल रिव्यू, अपना फीडबैक जो है आप लोग के साथ शेयर कर दिया। अब नाउ इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या करना है, आपको आना है नहीं आना है। एक बार येस ऑब्वियसली अगर एक बार एरोप्लेन रेस्टोरेंट का फी लेना चाहते हैं तो एक बार आइए, बट मैं बोलूँगी कि बार बार मार्केट से यहाँ पे आना फूड के लिए, वो भी जब आपके पास ऑप्शंस बहुत कम है यहाँ पे, तो उसके लिए वर्थ इट नहीं है। मैं एक बार आने के बाद आई थिंक सेकेंड टाइम नहीं आऊँगी बिकॉज वो थोड़ा सा दूर है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग भी बोलूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है बट लाइक एवरेज है। तो या ये मेरा पर्सनल रिव्यू था। बाकी डिटेल्स एड्रेस, यहाँ का जो एड्रेस है, जो मैप लोकेशन है, बिकॉज एड्रेस से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मैप लोकेशन को फॉलो, मैं जो लिंक दूंगी वो उसको फॉलो करके आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं, एक बार आके एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।